ये ऊपर से पीला अंदर से वो ही रेड है सेम। अच्छा रेड ही निकलेगा। हाँ ठीक है। ये जो वैरायटी है ये मतलब ये बिल्कुल खांड ही मान लो एक किस्म की, अच्छा मीठा होता है औषधि है ये। ये अंदर से पीला निकलेगा, अच्छा इसकी गिरी भी पीली है, बिल्कुल पीली है और मीठा भी बहुत ज्यादा है। और इस साइड में फिर आ गया अपना ऊपर से काला है और अंदर गुलाबी है। अच्छा तो भी इसमें से भी दो वैरायटियां हैं अपने पास है। और उसके बाद ऊपर से ग्रीन है जिसका वेट 12 से 15-16 किलो तक भी हो सका है। एक तरबूज का। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। वो अंदर वो सेम लाल है। अच्छा, ये बेल लग रही है तरबूज और खरबूजा। 8,000 8,000 बेलें 1 एकड़ में। हाँ 1 एकड़ में लगा रखी है। ठीक है। अगर आप टोटल देसी हिसाब सोचा अगर एक बेल 10 किलो भी फ्रूट देवे अपन तो मेरे हिसाब से 800 कुंटल बिल्कुल। अगर मार्केट रेट 10 भी मिल जाए तो 8 लाख की पैदावार। 8 लाख भी 8 लाख बतेरा है, थोड़ा कौन इनकम। ना ना जी बहुत है 8 लाख का तो नरमा 15,000-10,000 इससे ऊपर किसी जमींदार। पूरे खेत में पैदा कौन हो। बिल्कुल। तरबूज की अपने पास से 5-6 वैरायटियां हैं अलग अलग। ठीक है। तो अभी तो एक बार तो ट्रायल है, इनमें प्रोडक्शन देखा, मार्केट सेल देखा, तो आगे एरिया बढ़ा लेंगे। अच्छा यू आपने एक तरबूज न्यारे डाल का ला रखा है, इसमें पीला रंग है, यो कलरफुल लाने का क्या फायदा है। परली साइड अपना खरबूजा है मुस्कान। ठीक है। तो ये सारे आइटम आपने ट्रायल के बेस पे ला रखे हैं, भी किसका प्रोडक्शन ज्यादा रहा है, किसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कॉस्ट कितनी आ जाएगी अपनी। थोड़ा तरबूज महंगा है। तरबूज अगर आप 1 एकड़ में अगर इस सिस्टम लगावा, मल्चिंग कर दिया या सीड थोड़ा बढ़िया कंपनी का ले वहाँ, तो मेरे आइडिया ने 70,000 रुपये कॉस्ट 1 एकड़ का आ जाए। लेबर खर्चा, ड्रिप लाइन हो गया, अपना सीड हो गया, भाई मोटा मोटी 1 लाख भी माना तो अपना 7 लाख रुपये शुद्ध पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल। 2-2.5 से कम नहीं रहेगा देसी, अगर छोड़ दो कम से कम। हाँ 7-8 लाख छोड़ दो, 2-2.5 से कम तरबूज नहीं रहेगा। ठीक है। और कितने दिनों में वो भी देखो। हाँ छोटी टाइम। इसकी सीडलिंग कैसे तैयार करिए फिर। ये अपना सरकारी सेंटर है गिगड़ा हूँ अपना, वहाँ से तैयार करवाइए तो बड़ा अपन देना पड़ेगा 1 रुपया 20 पीस पर पौधा। ठीक है। सीड अपना होगा 1 रुपया 20 पीस पर पौधा में, वो तैयार करके अपने को दे देंगे। उसके बाद में अपने को वो शायद सब्सिडी है उसके सीड के ऊपर 12-13,000 रुपये जिस तरह 1 एकड़ का। ठीक। किसी डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ो भाई, अगर खेती सब्जी की हो या कोई भी हो और किसी कंपनी के चक्कर में ना पड़ो, आप फार्मर का फील्ड देखो, वहाँ जाके उसका वैरायटी देखो, कितनी प्रोडक्शन आई है, कौन से बीज में कितना पैसा। देखो काम करा मैं ऑर्गेनिक खेती जरूर करूँ लेकिन पैसा खतर करूँ भाई, सीधी बात है। सुबह से शाम तक मैं खेत में रहूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे सीड प्रॉब्लम आई, कोई एक यार दोस्त था उनके कोई रिलेशन में रिश्तेदार इसमें कंपनी में लग रहे थे। ठीक है। तो बोले बहुत बढ़िया सीड है लेकिन मैंने कंपनी में कंप्लेन भी करी है भाई, तो इस तरह मेरी तरह कोई फंसियो भी ना, तो जो भी सीड ले पहले फार्मर आगे प्लान है, तो अब फार्मर जगह जगह लगा रखे तरबूज, उनका जाके देखो पहले। बिल्कुल देखो, फिर बीज ले, किसी के कहने से बीज ना ले, भी कौन सा बढ़िया है। अगर कोई नया किसान 1 एकड़ में तरबूज की खेती करता है, मौसम ठीक रहे, प्रकृति साथ दे, भाव भी ठीक ठाक मिल जाए, तो अमूमन आप कितना मानते हैं, कितने 4 या 5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए निकल बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल निकल आएगा। प्रोडक्शन की अगर जाने तो कितना क्विंटल तक दे सकते हो। ये 1,000 कुंटल तक भी दे जाएंगे। अच्छा बिल्कुल है, इसमें वजन का नहीं भी सेट होने पे बात है। आप भी तरबूज देखो ना, आप थोड़ा सा मीडियम साइज अगर जिस तरह ब्लैक अपना वो तैयार हो रहा है काला, तो वो देखेंगे आप तो 2.5 और 3 किलो वेट ले रखे है। ठीक है। जिसमें मिठास तो आ गया लेकिन अभी तक कलर को नहीं आया, मतलब फीका कलर है, थोड़ा मीठा तो हो गया फीका कलर है, तो 5-6 दिन टाइम लगेगा। लगेगा। ठीक है। क्या इसका प्राइस कॉस्ट क्या कुछ मिल जाती है मार्केट में। अब मेरा तो भाई देखो, यहाँ मेरे 2 गांव इकट्ठे हैं, तो 1.5 से 2 क्विंटल लगभग अभी मेरी सब्जी यहाँ खेत में लग जाए, और मार्केट में अभी तो मैं जाना नहीं पड़ा। हाँ घिया एक दिन छोड़ के, एक दिन घिया घिया ले जानी पड़ा, बाकी मेरी उरे लग जाए सब्जी सारी। ठीक। और गांव से 3 किलोमीटर दूर बैठे हूँ। ठीक है। वो सारा फायदा ये है कि ऑर्गेनिक है। एक तो ऑर्गेनिक है, एक ताजा, जिस तरह 3 बंदे लग रहे हैं, जो बंदा आगे खीरा मांगेगा तो ताजा, मिर्च मांगेगा तो ताजा, जितना माल है अपने पास उतना ही, ना होगा तो अगले मना कर देंगे भाई ये माल नहीं है, वो ये दूसरा लेना है तो ले ले, नहीं तो फिर कल सुबह जल्दी आ जाइए भाई।